आपका नाम क्या है? मेरा नाम शशांक है। कौन सी क्लास में आप? 11th में। अच्छा, 11th में इसी गली में रहते हैं। अच्छा, तो आप जैसे अभी देख रहे हैं कि लोकसभा इलेक्शन हाँ, चल रहे हैं, तो आपको पता है इलेक्शंस के मतलब इसके बारे में कुछ थोड़ा बहुत? हाँ जी, बिल्कुल पता है। तो आपके लिए मुद्दे क्या हैं फिर? मुद्दे देखो, एज अ स्टूडेंट तो हमारे लिए यही बात है कि एजुकेशन के बेसिस पे है कि भाई जो गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को सुधारेगी, जो हमारे लिए अच्छा करेगी। अब जैसे हम भी देख रहे हैं 10 साल से सरकार में, तो ये कह रहे हैं कि खर्ची पर्ची की नौकरी नहीं थी, तो जिस तरीके से पेपर लीक हो रहे हैं और भी चीज़ें हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल ठप पड़ा हुआ है। अच्छा, लेकिन गवर्नमेंट बोलते हैं कि उन्होंने खर्ची पर्ची बंद कर दी, भ्रष्टाचार कहीं बंद नहीं की, कहीं बंद नहीं, कोई रोजगार नहीं दिए गए युवाओं को। इतने खाली पद पड़े इस समय हरियाणा सरकार के अंदर, सरकार उनको भर्ती क्यों नहीं है? वैकेंसी नहीं निकालती है। कितने पेपर देख लीजिए आप, हरियाणा कांस्टेबल का, इंस्पेक्टर का, हर पेपर लीक हो जाता है। अच्छा, अभी यहाँ पे हरियाणा के, हरियाणा पुलिस के जो एग्जाम्स को लेकर, हर चीज का पेपर लीक हुआ है, आप देख लीजिए यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आप क्या देखकर वोट कर? अच्छा, आपकी तो अभी वोट उम्र है नहीं, लेकिन वोट देख लेंगे। मुद्दे हरियाणा के अंदर तो अभी के टाइम पे एक ही, बेरोजगारी, महंगाई और नौकरी, यही तीन मेन मुद्दे हरियाणा के अंदर तो यहाँ पे, और विकास। क्योंकि अगर हम देखें 5 साल के अंदर रोहतक के अंदर, तो ऐसा कोई खास विकास तो मुझे देखने को मिला नहीं रोहतक के अंदर। देखें, अगर अरविंद शर्मा जी ने एक ट्रेन भी चलवाई तो उससे कुछ हुआ तो नहीं देश। आज भी देख लीजिए आप रोहतक के अंदर जाके देख ले, अंदर कितनी सड़कें टूट रखी हैं, कितना बुरा हाल है, पानी की सप्लाई यहाँ नहीं मिलती, तो आप देख सकते जाके कितना, मतलब जो ग्राउंड लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल जीरो है ग्राउंड लेवल पे। हाँ, और आप देख ही रहोगे, आप कवर करते हो हर जगह कि भाई बीजेपी और जेजेपी के नेताओं को अंदर घुसने दिया नहीं जाता गांव के अंदर। तो इस टाइम अगर देख सकते हैं तो देश के अंदर बिल्कुल भी इनके प्रति यूँ लगा लो कि हर तरह नफरत ही है, क्योंकि उन्होंने 10 साल मौका दिया बीजेपी को, बीजेपी उनको वो परफॉर्मेंस दी नहीं। अगर वो देते तो इस टाइम वो विरोध नहीं हो पाता ना, जनता की उम्मीदें पर खरी नहीं उतर पाई, नहीं उतर पाई बिल्कुल। कांग्रेस की उम्मीदें आपको? हाँ, कांग्रेस की उम्मीद, अगर कांग्रेस गवर्नमेंट हरियाणा में तो देखो पक्की है, सेंटर की हम कह नहीं सकते, क्योंकि कांग्रेस गवर्नमेंट आएगी तो जरूर बुढ़ापा पेंशन भी करेगी, ओपीएस भी लागू करेगी, नौकरियां भी देगी और सारी चीज, मतलब महंगाई भी कम करेगी यार। अच्छा, आप युवा हैं तो आप ये बताइए कि पॉलिटिकल लीडर कौन सा पसंद है आपको? देखो, फेवरेट की पूछोगे तो हरियाणा की पूछोगे दीपेंद्र हुड्डा जी, यंग लीडर हैं। खास बात पसंद है आपको? खास बात तो ये है कि एक तो वो कभी दोगलापन नहीं करते और कभी भी झूठ नहीं बोलते, अपनी बात को खुल के रखते हैं एकदम। आप मिले? बिल्कुल मिले, पिछली बार भी जब आए थे वो तब भी मिले थे, लेकिन एक बात यह है कि वो कभी भी दोगलापन नहीं करते। उनके आप कितने भाषण सुन लो, स्पीच सुन लो, कभी भी उन्होंने आज तक, आप सुनते हैं? हाँ बिल्कुल। अरविंद शर्मा को सुना आपने? अरविंद शर्मा को, वो तो दोगलापन करते हैं।